चीजें आपको कोई नहीं बताएगा जब एक डायबिटीज के लिए और डायबिटिक पेशेंट के लिए एक डाइट प्लान बनाया जाता है। एक डाइटिशियन जो होती है वो किस तरीके से डायबिटीज के डाइट प्लान को बनाती है, क्या उसके दिमाग में रहता है, किस तरीके से, आपने ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे जिसमें कि एक पेशेंट ये बोलता है कि जब से मैंने ये डाइट स्टार्ट किया है तब से मेरे जो डायबिटीज है वो रिवर्स हो गया है, अब मुझे दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब मुझे इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब मैं काफी फिट महसूस करता हूँ या करती हूँ, ऐसे आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे। तो आप ये सोचते हैं कि आखिर ऐसी क्या डाइट होती है, एक डाइटिशियन ऐसी क्या डाइट बनाती है, क्या करती है कि जो लोगों की जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है डायबिटीज की, या फिर वो मेटफॉर्मिन वगैरह कोई ऐसी टेबलेट खाते हैं वो छूट जाती है, उनका फास्टिंग जो होता है इंसुलिन सही आने लगता है, उनका फास्टिंग ग्लूकोज सही आने लगता है, उनका पीपी जो खाना खाने के बाद वाला शुगर होता है वो भी सही आने लगता है, इवन अगर वो 2 या 3 महीने तक रेगुलर डाइट को फॉलो करते हैं किसी से भी लेकर, तो मतलब किसी पर्सनल डाइट प्लान की ही मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ, रैंडम आप ये नहीं कर सकते हो कि किसी दूसरे का डाइट प्लान जो है वो आप उठाकर फॉलो करने शुरू कर दो, क्योंकि वहां पर जो बात आ जाती है वो आती है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की। तो इसलिए क्योंकि आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की जो पैरामीटर्स है वो अलग है, दूसरों के अलग है, वो जो ब्लड टेस्ट वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताना कि क्या ब्लड टेस्ट के रिगार्डिंग भी आप इस तरह के डाइट को कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो आप जानना चाहते हो। तो जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्या समझ में आया है इससे, क्या आपने डाइट प्लान बनाए हैं, क्या किया है आपने, वो सब चीजें आप मेरे साथ जो है डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसको आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। तो मैं देर नहीं करूंगी, ये है डायबिटीज के लिए जो एक सैंपल डाइट प्लान होता है वो कैसे बनाया जाता है वो मैं यहाँ पर बताऊंगी। लेकिन डाइट प्लान को बनाने से पहले आपको क्या चीजें जो है दिमाग में रखनी चाहिए, एक डाइटिशियन क्या चीजें दिमाग में रखती है जब वो, या डॉक्टर हो या न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो वो क्या चीजें दिमाग में रखती है जब वो आपके लिए एक डाइट प्लान को बनाती है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो मैं डाइट बताने वाली हूँ आप लोगों को, या डाइट प्लान जो सिखाने वाली हूँ कैसे बनाते हैं, उसके लिए ये डाइट प्लान होगा प्री डायबिटिक या फिर डायबिटीज टाइप 2 के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ही मैं ये बता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज यानी कि जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं उनका जो डाइट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली उनके लिए भी आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो जरूर बनाऊंगी कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि IDDM के पेशेंट होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए डाइट बनाते हुए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डायबिटीज की, जब हम डाइट बनाते हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज को कंसिडर करते हैं, वो होता है शुगर। तो मैंने अभी जैसे लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, मैंने अभी एक सर्वे हुआ था उसमें मैंने 3 दिन के अंदर 150 से ऊपर 100 से ऊपर लोग जो है वो देखे थे जो डायबिटिक पेशेंट थे। तो उसमें सब लोगों की जो 90% लोगों की एक ही मिस्टेक कर रहे थे, वो लोग वो कहते हैं कि हम तो दूध वाली फीकी चाय पीते हैं। जब मैंने उनका डाइट उनको बता रही थी तो वो उनसे मैंने पूछा कि आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक क्या लेते हो, उन्होंने कहा हम चाय लेते हैं लेकिन हम फीकी चाय लेते हैं, दूध वाली चाय लेते हैं पर फीकी चाय लेते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कैसे आप जो दूध वाली चाय भी लेते हो तो उससे भी आपका जो है जो मतलब पीपी है वो बढ़ा हुआ आएगा या फिर आपका HbA1c बढ़ा हुआ आएगा, तो वो कहाँ मिस्टेक होती है, ठीक है, वो वीडियो भी आप देखना। लेकिन अभी हम इस वीडियो पे वापस से आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। एक डायबिटीज जो होती है, जब प्री डायबिटीज होती है या डायबिटीज टाइप 2 होती है, तो हम उसको 2 नामों से जान सकते हैं या कंबाइन कह सकते हैं। पहला होता है कार्ब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है, इसका डिसऑर्डर जो होता है वो आपके डायबिटीज टाइप 2 या प्री डायबिटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो आता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये 2 चीजें अगर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है तो आपको चांसेस है कि आपका जो डायबिटीज है वो बढ़ जाए। अब ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये थायराइड पेशेंट के लिए भी देखने के लिए बहुत ज्यादा आती है कि उनको इन्हीं 2 प्रॉब्लम से उनको थायराइड डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन जो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो डायबिटीज है ज्यादा,
जैसे मतलब उनकी फैमिली में सारे के सारे मेंबर से मतलब मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो डायबिटीज के हैं, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आपको थायराइड के पेशेंट आपकी फैमिली में है, फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको थायराइड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो प्रॉन किसके हैं आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेनली जो ये होता है, ये होता है कार्ब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि आपकी बॉडी अब कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो होता है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि जो चीज खाने में मीठी होती है, वही चीज जो है उसी के अंदर शुगर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शुगर जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह का शुगर होता है, और ये दोनों तरह के शुगर ही हमारे जो जो प्रॉब्लम होती है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि फ्रुक्टोज होता है फ्रूट्स के अंदर, वो भी शुगर है। माल्टोज होता है गेहूं के अंदर, वो भी शुगर है। जबकि आपको फ्रूट खाने में मीठा लगता है, लेकिन गेहूं तो आप खाएंगे, गेहूं की रोटी तो वो आपको मीठी नहीं लगेगी। उसके अंदर भी फ्रुक्टोज, उसके अंदर भी माल्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। फिर हम बात करें अगर आपके दूध की यानी मिल्क की, तो उसके अंदर लैक्टोज होता है। लैक्टोज अगर आप फी का दूध पियेंगे तो आपको मिठास बिल्कुल नहीं लगेगी, लेकिन उसके अंदर लैक्टोज जो है वो शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आप जब वो लेंगे तो आपका जो है, आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर है वो बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि शुगर किससे आ रही है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगरी जो होता है एक मतलब हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट, वो शुगरी होता है। तो आपको जब आप जब एक डाइटिशियन जब डाइट प्लान बनाती है, हालांकि मैं ये आपसे जरूर कहूंगी कि आपको जब भी आप किसी से डाइट प्लान बनवा रहे हैं, अगर उसने आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मांगी है, तो डेफिनेटली आप उसके पास जा सकते हो, उसे डाइट प्लान बनवा सकते हो, क्योंकि वो जानती है कि आपके डाइट प्लान के लिए आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको कोई डाइट प्लान ऐसे ही रेंडम उठा के देता है डायबिटीज के लिए कि आप ये कर लो, फिर चाहे वो मुफ्त का भी क्यों ना हो, आप उसको कभी मत करो, क्योंकि उसमें आपके जो पैरामीटर्स हैं, जो आपके डायबिटीज के जो पैरामीटर्स होते हैं मतलब प्रोफाइल के, वो उसके अंदर नहीं है ना उसको मालूम है। तो ऐसे फेक डाइटिशियन से आप बिल्कुल बचें, जो आपके बिना ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखे आपके डाइट प्लान को तैयार करती है। तो यहां पर मैं बात करूंगी अब कुछ फूड आइटम्स के बारे में, क्योंकि हम डाइट प्लान बनाने से पहले हम जो चीजें देखेंगे वो यही होंगी। जैसे कि एक डाइटिशियन जब आपका डाइट प्लान बनाती है, सपोज आपका फास्टिंग जो है 140 के करीब आता है या उससे भी ज्यादा आता है, तो जितना ज्यादा आपका फास्टिंग होगा उतनी ही कम कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर यानी कि आपके डाइट प्लान के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है, ग्लूकोज यानी कि उसके अंदर शुगर है। तो इसलिए आपकी बॉडी के अंदर जब आप डाइट प्लान बना रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम से कम डाइट प्लान के अंदर होंगे, तभी आपका जो शुगर है वो नॉर्मल होता है। यही स्ट्रेटेजी होती है जब कोई इंसान आपको टेस्टिमोनियल में आके कहता है कि मैं पहले डायबिटिक पेशेंट था, पहले मैं इतने ये वाली मेडिसिन खाता, ये वाली मेडिसिन खाता था, पहले मेरा HbA1c 9-10 था, अब मेरा 6 पे आ गया है। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, ये उसी से होता है। जैसे कि अब हम फूड आइटम की बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सर्वे मैंने देखा था, उसमें मैंने देखा कि ज्यादातर लोग जो थे वो मल्टीग्रेन आटा जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। मल्टीग्रेन में वो लोग ये समझते हैं कि गेहूं नहीं खाना है, जैसे कि आजकल बहुत इस चीज के बारे में बताया जाता है कि गेहूं नहीं खाना है। ऑब्वियसली गेहूं नहीं खाना है तो फिर मल्टीग्रेन आटा खाओ, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो जो कार्बोहाइड्रेट है, मेन जो रोल है ना उसका ही होता है। तो हर चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, हर आटे के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो जब आप डाइट प्लान बनाते हो, अपने लिए डाइट डिजाइन कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप किसी डाइटिशियन का सहारा नहीं ले रहे हो, तो आपको गूगल का सहारा लेना चाहिए, जिसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से आटे के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। जैसे कि अगर हम 100 ग्राम गेहूं का आटा खाते हैं, तो उसके अंदर 74 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ज्यादा है, ठीक है। अगर हम जो चोकर होता है गेहूं का, जो चोकर हम बोलते हैं ना, चोकर वाला आटा पहले खाते थे, तो चोकर में हमारा 53 जो ग्राम है, 100 ग्राम में 53 यानी कि आधा चोकर है, आधा ग्राम चोकर है अगर हम चोकर में लेते हैं, बाकी जो है वो कार्बोहाइड्रेट आता है। तो जब भी आपको बोला जाए कि भैया आप खाना खा रहे हो, तो आपका जो आटा होता है, रोटी का आटा जो होता है, उसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होना चाहिए। तो फाइबर क्या हुआ,
आपका चोकर यानी कि गेहूं का जो चोकर होता है वो आपको जरूर मिलाना चाहिए। अब गेहूं के अंदर 74 ग्राम है हर एक 100 ग्राम में। इसके बाद चावल के अंदर अगर हम बात करें तो 78 आता है, ये मैं आपको 78 ग्राम ये आपको पर 100 ग्राम्स का आपको जो है इसकी रेंज में आपको बता रही हूँ। तो 78 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट आता है 100 ग्राम में चावल में। अब इसी तरह राइस ब्रान, आपने इसका नाम सुना होगा, जो चावल का धान होता है उसके ऊपर एक हस्क होता है यानी कि एक छिलका होता है, एक परत होती है, उसको अगर आप मतलब जैसे हमने डायबिटीज पेशेंट के लिए पहले से क्या सुनते आए हैं कि जौ और चने का आटा उसके लिए बेस्ट होता है। जौ के अंदर क्या होता है, जौ, अब जो जौ का आटा लोग गलती करते हैं बाहर से खरीदते हैं तो उसका क्या होता है, ब्रान उसमें नहीं होता है, तो इसी वजह से उसके अंदर जो अंदर वाला चावल का जो मिक्सचर जो जो होता है वो ज्यादा होता है, तो वो आपका जो है कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप जौ को इस्तेमाल करते हो तो आप पूरा जौ लो, उसको हल्का सा रोस्ट करो और उसके बाद उसके आटे को पिसवाओ तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम मिलेगा। तो राइस ब्रान यानी कि जौ का जो हस्क होता है उसका 48 ग्राम है। अब आप देख रहे हैं चावल के अंदर 78 और राइस ब्रान यानी कि चावल का छिलका जो होता है उसके अंदर 48, तो अगर इन दोनों को मिला के बनाया जाए तो भी आपकी कार्बोहाइड्रेट जो है, क्योंकि लोई एक होगी उसमें ब्रान भी होगा उसमें आपका राइस भी होगा, तो कम लगेगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको बोला गेहूं के अंदर 74 है, मेज यानी कि जो भुट्टा मक्की का जो आटा होता है उसके 100 ग्राम में 66 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये काफी कम हो गया। अभी मैं आपको एक चीज और बोलूंगी, यहाँ पर जो भुट्टा मेज जो टेंडर होता है जो भुट्टा बोलते हैं हम उसको, उसमें सिर्फ 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। मतलब अगर आप कभी अपने स्नैक को रिप्लेस करना चाहें तो आप 100 ग्राम का भुट्टा भी खा सकते हैं, यस आप वो भी खा सकते हैं, तो उससे भी आपका शुगर जो है वो कंट्रोल में आएंगे। अभी जब मैं आपको ये डाइट प्लान के बारे में जब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी तब ये चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ऐसे ही बहुत सारे आटे होते हैं, बाजरा का 67 होता है, बार्ले यानी कि जौ का 69 होता है, रागी का 72 होता है, ओट्स का 67 होता है। अब ये जो आटे होते हैं ना हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैं आपको जब डाइट बताऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से डाइट को बनाना चाहिए। 67 अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर जो लोग उत्तराखंड से हैं या जो लोग जानते हैं कि वो बोलते हैं रागी का आटा, मंडवे का आटा डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया होता है, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूंगी रागी के अंदर 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 100 ग्राम के रागी के आटे में 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 74 जो होता है वो व्हीट में होता है, तो बहुत जरा सा ही कम है, ज्यादा कम नहीं है। तो इसलिए आपके लिए रागी का आटा जो होता है उसके अंदर कार्ब्स ज्यादा है तो वो आपका कम इस्तेमाल करना चाहिए आपको। तो हमें जब भी हम किसी कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कार्ब हो, हम कहते हैं लीन कार्ब नहीं लेना है, मैदा नहीं लेना है, तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब भी क्या हुआ, अगर आप मल्टीग्रेन भी ले रहे हो आटा, जब वो आपकी बॉडी के अंदर टूटेगा खाना या डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर वो डाइजेस्ट होगा तो वो छोटे छोटे आपके कार्बोहाइड्रेट, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ना फिर आपके, तो इसीलिए आपको जो है डाइट बनाते वक्त बहुत संभलना पड़ता है जब एक डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइट बनाते हैं। तो ये तो मैंने बात की आपसे उन चीजों की जिसकी आप रोटी बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम कुछ दालों के बारे में, जैसे कि काला चना 60 ग्राम है, 100 ग्राम में 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, चने की दाल में 59, आपका रोस्टेड चना जो होता है वो 58, मोठ एक दाल आती है जो मूंग साबुत मूंग की तरह होती है उसके अंदर 59 है, सोयाबीन के अंदर देखिए सिर्फ 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, सोयाबीन को डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है तो सोयाबीन के अंदर सिर्फ 20 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट है, लेंटिल्स के अंदर 59 है और रेड ग्राम यानी कि जो हमारा लाल मसूर की दाल होती है उसके अंदर 16 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स निकलते हैं दालों से, यानी कि दालों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके आटे वाले कार्बोहाइड्रेट से थोड़े कम है, ठीक है। तो इसके बाद जो मैं बात करूंगी वो होगी आपके सब्जियों को लेकर। आपको पता है 100 ग्राम पेठा, सफेद पेठा जिसका हम सब मीठा वाला पेठा बनाते हैं, एश गॉर्ड अब तो काफी फेमस हो गया, लोग जानते हैं कि एश गॉर्ड का जूस कितना अच्छा होता है, तो एश गॉर्ड उसमें 100 ग्राम में सिर्फ 1.9 यानी कि लगभग 2 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद बॉटल गार्ड यानी लौकी के अंदर 2.5 ग्राम यानी कि 100 ग्राम लौकी के अंदर सिर्फ 2.5 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है।
फिर आपका बिटर गार्ड हो गया, आपका कॉलीफ्लावर में 4 ग्राम है, इस तरीके से हमारी सब्जियों के ये सारे, ये तो मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे जो भी सीजनल वेजिटेबल आ रही है तो आप अपने लिए डाइट बना रहे हैं, तो आप सीधा देखो कि इसके 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, फिर टोटल आप निकाल के उसके लिए अपने लिए डाइट प्लान जो होता है अपने लिए एक लमसम डाइट प्लान बनाएंगे, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो ये तो हो गई खाने की चीजें, उसके बाद आप देखो दूध की बात, जैसे मैंने दूध वाली चाय की बात की थी, 100 ग्राम बफेलो मिल्क यानी भैंस के दूध में 5 ग्राम, काउ मिल्क में 4.4 ग्राम, लेकिन छाछ के अंदर कितना है, सिर्फ 0.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो ये कितना अच्छा है। स्किम्ड मिल्क में भी 4.6 ग्राम होता है। तो अगर हम तीनों के पैरामीटर्स को यहाँ पर देखें, भैंस का दूध, गाय का दूध और स्किम्ड मिल्क, उसमें सबसे अच्छा हमारा आता है बटर मिल्क यानी कि छाछ, जिसको हम बोलते हैं जो दही से बनता है। तो छाछ के अंदर 0.5, 100 ग्राम छाछ के अंदर 0.5 ग्राम ही आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आता है। तो इस तरीके से जो है हम अपने जो डाइट प्लान की, जब हम डाइट प्लान बनाने वाले होते हैं, होप आप, मैं कोशिश यही कर रही हूँ आपको अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन मैं ये कहूंगी जो लोग अभी तक यहाँ पर टिके हुए हैं तो वो बहुत लकी हैं, क्योंकि वो आगे जो है इसके देखेंगे कि मैं और क्या बताने वाली हूँ। तो ये तो था आपका एक लमसम जो मैंने आपको आइडिया दिया कि किस तरीके से आप जो है अपने लिए चूज कर सकते हैं। इसी तरह ना, जैसे मैंने आपको सब्जियों को बताया, इसी तरह फ्रूट्स भी होते हैं। फ्रूट्स में भी आप देखो कि जो फ्रूट आपका, जिसका कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर, जिसके 100 ग्राम फ्रूट के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, वो फ्रूट आपके लिए ठीक नहीं है। जिस फ्रूट के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है वही फ्रूट आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे डाइट प्लान के बारे में, डायबिटीज का डाइट प्लान जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो डायबिटीज का जो डाइट प्लान बनता है उसके अंदर ये प्री डायबिटिक या फिर डायबिटिक टाइप 2 जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको है उनके लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में आप लेंगे कोई भी हर्बल टी, आप ले सकते हैं, जैसे आप सिनेमन टी ले सकते हैं, आप मेथी दाने का पानी ले सकते हैं, आप जीरा की चाय। अब इसमें देखिए, जब मैं डाइट प्लान की बात करूंगी ना तो मैं कुछ पैरामीटर्स के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगी। उसका रीजन ये होता है कि जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो ब्लड पैरामीटर्स इसलिए ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि अक्सर लोगों को जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके कई बार डायबिटीज के साथ साथ उनकी किडनी भी अफेक्ट होने लगती है, उनकी आंखों की रेटिना, ये तो मैंने खुद देखा है कि आंखों की रेटिना इफेक्ट होने लगी है, उनका हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के खतरा उनको बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल उनका हाई हो जाता है, तो इस तरह की चीजें देखी जाती है। तो अगर आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में सिर्फ आपका विटामिन डी कम है, आपका B12 कम है, आपका सिर्फ फास्टिंग और पीपी ही थोड़ा हाई है और आपका HbA1c, इस चीज को याद रखना है, HbA1c ये एक ब्लड का टेस्ट होता है जो 3 महीने का एवरेज होता है ब्लड टेस्ट का, अगर ये आपका 6 से कम है, लेस देन सिक्स तो आप इसको आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया आपके आपका जो क्रिएटिनिन बढ़ा नहीं, मतलब आपका किडनी प्रोफाइल जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, आपका CBC काउंट जो है वो थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, आपका जो आयरन प्रोफाइल है या फिर और जो पैरामीटर्स आते हैं वो, खासतौर पे मैं किडनी और आपका उसकी बात करूंगी लिपिड प्रोफाइल की, अगर ये लिपिड प्रोफाइल और किडनी प्रोफाइल KFT ये दोनों नॉर्मल है तो आप इस डाइट प्लान को एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनमें आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में आपके पैरामीटर्स जो है ऊपर नीचे हैं तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप इसको फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है आपको लो पोटेशियम लेना हो सकता है आपको, अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो आपको प्रोटीन कम लेना हो, तो इस तरीके से आपको जो है चलना चाहिए। सबसे पहले मॉर्निंग की बात करूंगी तो इसमें आप हर्बल टी ले सकते हैं, कोई भी धनिया, अगर आपका आयरन लेवल कम है तो आप धनिए की चाय ले सकते हैं, इन्फ्यूज वाटर डिकॉक्शंस होते हैं ये, तो उसको हम टी बोलते हैं। सबसे अच्छा होता है लेमन वाटर, ल्यूक वार्म लेमन वाटर विदाउट हनी, ये बहुत अच्छा होता है लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता है, तो लेमन वाटर की जगह आप जो है टर्मरिक टी यानी कि हल्दी की चाय ले सकते हैं। उसके अलावा आप ACV यानी कि जो मदर वाला एप्पल साइडर विनेगर होता है वो ले सकते हैं। तो ऐसी कोई भी टी आप या डिकॉक्शन आप ले सकते हो मॉर्निंग में सबसे पहले। इसके साथ आप सोव्ड नट्स एंड सीड ले सकते हो, अगर आपका जो आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है या आपका LDL बढ़ा हुआ है
तो आप इस कंडीशन में आप नट्स यानी कि आप कैशू नट ले सकते हो, आप आलमंड ले सकते हो, आप वॉलनट ले सकते हो। वैसे कैशू नट मैं मॉर्निंग में प्रेफर नहीं करती हूँ, कैशू नट जो होता है वो नाइट में लेना ज्यादा अच्छा होता है, वो भी सोफ्ट। तो यहाँ पर जो है आप नट ले सकते हो, सीड ले सकते हो, बहुत सारे सीड्स अब अवेलेबल है, तो सबको सोक करके ही लेना है। लेकिन आपको एक बार में एक ही सीड लेना है, यानी कि आप अगर पंपकिन सीड ले रहे हो तो सिर्फ 1 चम्मच सोक्ड होना चाहिए। अगर आप आलमंड ले रहे हो तो आपके 4 आलमंड्स बहुत है आपके लिए। अखरोट ले रहे हो वॉलनट, तो एक भीगा हुआ अखरोट भी आपके लिए काफी होता है। तो इस तरीके से आपके दिन की शुरुआत जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद आप अपना जो वर्कआउट है, जो भी आप वॉक करना चाहते हैं वॉक कीजिए, योगा करना चाहते हैं योगा कीजिए, वरना कुछ नहीं करते हैं तो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग तो आपको डेफिनेटली स्टार्ट करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे हमारे ऑर्गन्स भी स्ट्रेच होती है, वो भी उनकी भी एक्सरसाइज होती है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट की। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आटे होते हैं, जितने भी आटे होते हैं उनके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं वो 60 से अबव होते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी दालें होती हैं, जैसे आपका चने दाल हो गया, बेसन हो गया, मूंग दाल हो गया, आपका ओट्स हो गया, ओट्स भी थोड़ा ज्यादा ही होता है, मतलब आपके जो जितनी भी दालें की कैटेगरी जो भी आ रही है वो सारी की सारी, उनके कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम है, आपके जो अनाज है उससे कम है दालों के। तो आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ब्रेकफास्ट शुड बी पल्सेस, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, इनसे बना हुआ होना चाहिए। अब आप कहोगे इनसे बना हुआ क्या हो सकता है, चने की दाल का आप ढोकला ले सकते हो, बेसन का ढोकला ले सकते हो, आप चीला ले सकते हो, आप मूंग दाल चीला ले सकते हो, बेसन चीला ले सकते हो, आप स्प्राउट्स ले सकते हो, आप उबले हुए चने की चाट बना के ले सकते हो, आप इनके कटलेट्स बना के ले सकते हो। मतलब वैरायटी ऑफ फूड है जो दालों से ही केवल बनते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे, बहुत सारे फूड होते हैं जो सिर्फ दालों से बनते हैं। तो आप जो है इस तरह के जो आप दालें हैं उनसे बना हुआ नाश्ता ही आप ब्रेकफास्ट के अंदर लीजिए। इसके बाद बात आती है बारी मिड ब्रेकफास्ट की। तो मिड ब्रेकफास्ट में आप विटामिन सी रिच फूड्स जैसे कि मौसमी हो गई, संतरा हो गया, या किनू हो गया, माल्टा हो गया, ऐसा ले सकते हो, या फिर जिनका फ्रुक्टोज लेवल लो हो, जैसे कि आपका मतलब आपको मैंगो नहीं खाना है, बनाना नहीं खाना है, मीठे वाले जो फल होते हैं चीकू नहीं खाना है, लीची भी नहीं खाना है, आप क्या खा सकते हो, आप खा सकते हो आप एप्पल खा सकते हो, अनार खा सकते हो, कीवी भी नहीं खाना है, कीवी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और आप पाइनएप्पल भी कम क्वांटिटी में ले सकते हो, कोकोनट आपके लिए बहुत अच्छा है वो आप ले सकते हो, इसके अलावा वाटरमेलन अगर सीजन में है तो आप वो ले सकते हो, भुट्टा भी ले सकते हो। तो ऐसे फ्रूट जिनके अंदर फ्रुक्टोज जो है वो कम हो, यानी कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी कम हो, और विटामिन सी रिच फ्रूट, इनको आप कभी भी अलग अलग करके ले सकते हो। इसके अलावा इस टाइम पर आप स्मूदी भी ले सकते हो, किसी भी फ्रूट की स्मूदी, एप्पल, नटी एप्पल स्मूदी भी ले सकते हो, अखरोट और एप्पल की स्मूदी भी बनती है बहुत अच्छी, वो भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो है मिड ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आई होप ये समझ रहे हैं आप, और उसको आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मेन मील की। तो देखिए, अभी तक जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड थे, जैसे कि अनाज जो था हमारा, वो हमने कम लिया, ठीक है, वो मतलब उसको हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम अनाज की बात करेंगे जब हम मेन मील पे आएंगे। रोटी की बात हम मेन मील में आके करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, लंच में करेंगे और डिनर में करेंगे, ब्रेकफास्ट में हम रोटी की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में आपको, जब आप लंच आता है तो लंच में क्या लेंगे, सबसे पहले दाल लेंगे। दाल जब आप अपने लिए सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे जिसका कैलोरीज लो हो, सॉरी जिसका जो कार्बोहाइड्रेट कम हो वो दाल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेजिटेबल्स में जितनी भी गॉड वेजिटेबल्स होती है वो सब अच्छी होती है, रेडिश भी अच्छी होती है, करेला होता है आपका, तोरी, लौकी, कद्दू, टिंडा, परवल, ये सारे, बैंगन, ये सब अच्छे होते हैं, ये आप ले सकते हो, लो कैलोरी जितने भी आते हैं। गाजर, बीटरूट, बीटरूट भी ठीक होता है, कभी कभी वंस इन अ वाइल उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, तो वेजिटेबल्स में आपकी कैलोरीज कम से कम गई, लेस कैलोरी आपकी आपकी वेजिटेबल में गई, मिडिल कैलोरीज जो है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके दाल में गए। उसके बाद हम बात करेंगे रोटी की। तो रोटी में जो आटे की रोटी बनती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है, जैसे आपने देखा 50 से भी अबव ही होते हैं सब में। तो आप जब चपाती खाते हो तो उसके अंदर आप वो आटा यूज करो जिसका कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम में कम से कम हो। तो आप 2 रोटी अगर खाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा सब्जी आप ज्यादा ले सकते हैं, दाल आपने ज्यादा ले सकते हैं, सलाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और छाछ जिसका मैंने आपको बताया था 0.5 ग्राम भी इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है।
छाछ के अंदर, अगर 100 ग्राम छाछ भी आप पी सकते हो। तो इस तरह की आपको जो है अपने लंच की तैयारी करनी है, ठीक है। यही चीजें होती हैं। आपने अब तक सुना होगा ना कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनको रोटी कम खानी थी, दाल सब्जी पे ज्यादा जोर डालो, सब्जियां ज्यादा खाओ, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन चूंकि आप डाइटिशियन तो नहीं हो, मैं डाइटिशियन हूं तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो इस तरीके से हमें जो है अपने जो हमारा खाना होता है उसको हमें बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डिनर की। डिनर में भी अगर आप जो है सेटिस्फाइड होते हो तो आपके लिए स्मूदीज अच्छी है, आपके लिए एग सैलेड्स अच्छे हैं, खिचड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप खिचड़ी बनाते हो, वेजिटेबल खिचड़ी जरूर बहुत जरूरी है। अगर आप दाल चावल उसके अंदर डालते हो तो मेक श्योर आपकी 50% सब्जियां होनी चाहिए, 50% आपके दाल और चावल मिला हुआ होना चाहिए, जिससे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम से कम जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो तो आप दालों से बना हुआ डिनर, जैसे कि चीला है, ढोकला है, सेम जैसे आपने ब्रेकफास्ट में किया था उसी तरीके से आप अपना डिनर, तो डिनर आपका लाइट भी रहेगा, आपका पेट भी भरेगा, कार्बोहाइड्रेट कम से कम जाएंगे आपकी डाइट के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों चीजों को डिसाइड करेंगे, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे इवनिंग टी की। तो इवनिंग टी क्या होता है? टी विदाउट मिल्क। मैंने बोला था ना मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज आपको नहीं लेना है। फीकी चाय मत लीजिए आप, ठीक है। धीरे धीरे करके छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी छूट जाती है। तो फीकी चाय आपको नहीं लेनी है, आपको बिना दूध वाली चाय लेनी है। उसके अंदर आप थोड़ा सा जैगरी डाल के ले सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्री डायबिटिक हो या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर आप डायबिटीज टाइप 2 में हो तो आप ले सकते हो। इसके साथ आप क्या ले सकते हो? पफ्ड राइस, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होता है। मखाना भी बहुत अच्छा है आपके लिए, 50 ग्राम 100 ग्राम तक, मतलब 50 ग्राम तक मखाना आप आराम से खा सकते हो, 100 ग्राम तो ज्यादा हो जाएगा। भुट्टा आप खा सकते हो, रोस्टेड चना तो डायबिटीज पेशेंट के लिए बेस्ट होता है। और आजकल तो इतने सारे मार्केट के अंदर पफ्ड ग्रेन्स आने लगे हैं, व्हीट को छोड़कर, मतलब पफ्ड ग्रेन आने लगे हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी आते हैं, वो भी आप उसको दूध में नहीं खाना है आपको कॉर्नफ्लेक्स को। एक चीज आपको बताती हूँ, कढ़ाई में आप थोड़ा सा ऑयल डालो, देसी घी डालो थोड़ा सा, उसके अंदर आप एक कटोरी के करीब 50 ग्राम के करीब कॉर्नफ्लेक्स डाल दो, उसको हल्की आंच पे सॉटे करते रहो करते रहो करते रहो, बिल्कुल कुरकुरे चिप्स की तरह वो बनके तैयार हो जाता है। रोस्टेड बनाना चिप्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए, वो आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको इवनिंग में भूखा नहीं रहना है, इवनिंग में आपको ये सब चीजें लेनी है। आप एग वाइट ले सकते हो, एक मतलब एक होल एग भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना इवनिंग जो होता है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है नाइट में आपको, अगेन मैं आपको जरूर बोलूंगी, कोई भी ऐसी टी, तुलसी टी होती है, ये एडेप्टोजेनिक हर्ब होती है, इस तरह की चाय जो होती है वो आपके ब्रेन को कंट्रोल करती है, ब्रेन को कामनेस देती है, तो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो ये ले सकते हैं। सिनेमन टी ले सकते हैं, यानी कि दालचीनी की का डिकॉक्शन ले सकते हैं, मेथी का डिकॉक्शन ले सकते हैं, जीरा का डिकॉक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो आप सौंफ की जो डिकॉक्शन होता है, सौंफ की चाय, सौंफ को पानी में उबालकर वो भी ले सकते हैं। तो आई होप ये जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, ये मैंने अब तक की जो मैंने डायबिटीज के ऊपर, हालांकि ये पूरी रिसर्च नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपके लिए सिंपल जो चीजें हैं वो बताई हैं, बहुत सिंपल। अभी कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो मैंने आपके साथ डिस्कस भी नहीं की है क्योंकि डायबिटीज का जो डाइट प्लान होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और मैं हमेशा एक चीज मैंने जो देखी है, आप देखेंगे मेरे मैक्सिमम मतलब कम से कम 300 से 400 तक के वीडियोस जो है वो मेरे सारे थायराइड के ऊपर बने हुए हैं। थायराइड का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हो, सारे ही थायराइड के सारे ही जितने यहाँ पर लोगों को पता भी नहीं है वो भी मैंने उसके अंदर कंसिडर किए हैं। थायराइड के बहुत सारे एस्पेक्ट से मैंने उसको समझाया है। तो थायराइड में क्या होता है ना कि आपने अगर रात को सपोज आपने रात को अगर राजमा खाया तो अगले दिन आपका TSH बढ़ा हुआ नहीं आएगा। लेकिन डायबिटीज के साथ क्या होता है, डायबिटीज में बहुत सोच समझ के डाइट फॉलो की जाती है, क्योंकि रात को अगर आपने कुछ भी खाया है तो उसका इम्पैक्ट आपकी फास्टिंग ग्लूकोज पर पड़ता है। इसीलिए आप जो है डायबिटीज के जो डाइट प्लान होते हैं, मैं आपको यही बोलूंगी कि पर्सनल डाइट प्लान बनवाना ही अच्छा होता है। पर्सनल डाइट प्लान अगर आप किसी अच्छे डाइटिशियन से बनवाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप मेरे से भी बनवाना चाहते हैं तो भी मेरा जो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां आप अपने लिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए डाइट प्लान बनवाने के लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, और इसके साथ आपको क्या जानकारी मिली और आप क्या जानना चाहते हो डायबिटीज के बारे में और ज्यादा, तो वो आप मुझे बताइए।
और वो मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी, पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आने वाले वीडियोस के लिए भी बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो डायबिटिक पेशेंट है उनके साथ प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए कि वो भी इस चीज को समझ पाए और अपने लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक डायटिशियन को, वो इससे हेल्प लेकर अपने लिए एक डाइट जो है वो बनाना खुद से सीख जाए। तो इसी में शायद हम सब का भी भला है और हमारा जो कंट्री है जो कैपिटल कंट्री बन चुका है डायबिटीज की, उसमें खुद से लोग ठीक होना शुरू करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय ऑल।